आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। चार कलश वाले आ जाए।
देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोग एक बार सब साफ हो जाएंगे। आपको क्या मुझे दिख रहा है, ये तो वैसे खड़े हुए सारे थोड़ा एक बार चलो सारे भाई कर लो कल इंटर इस्ते मनोरस तेरी पप भूसा पुणी चुवणी कले छी निकले जानी संसारी हारे विलेने हि तुझे तो मपलावे हि तुमे पति इंद्रम ओम प्रेम सिंह क्लीम ए अरम ओम 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 सब तुम जब जब छी छी कबरा सिंह कबे रवे ओम ने मूर्ति उपते श्रीमति को मांगे तो बच्चों को जैसे करो नी स्वाहा। लेकिन जो कर चुके बैठते जाओ पीछे, हम लोग को साधु संत भी है सारे, जो कर चुके बैठते जाओ अपने तरफ से लेके खड़े मत रहिए, कलश अपना भी से क्लीन चलते चलो से ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पारसी शंकराय द्वादश गुरुकुल सर्वज्ञाय स्वयंभुए सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञाने अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय शंकराय सत्य ज्ञाने सर्वऋषियारि का श्रवक श्राविका प्रभु चतुर संभव सर्व विनाशनाय घाति क्रम विनाशनाय अघाति क्रम विनाशनाय अवयस्माकम् मृत्योम अधिगामम अधिगामम ओलिगामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचूरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वप्रगभयम सर्वचक्रभयम सर्वपरमन्त्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्विमारिम सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्रिकम् बलस्वामी शांति सर्वज्ञानेन्द्रम् सर्वभव्यानेन्द्रम् सर्वकुलानेन्द्रम् सर्वानेन्द्रम् शांति सर्व पापनाशन सर्व छत्रपुत्र विनाशन सर्व छामल डावर विनाशनाय ओम राम ह्रीम रोम रमा सियोसा परम पूज्य बलेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम देसम मंचर सोबक सागर से सर्व संगश श्रीमान अरुण जी सुनीता जी स्वस्पर्य से श्रीमान राजीव सुमित ने बिनी जी स्वस्पर्य से सर्व विषय करतन सर्व जैसे सर्व शांति गुरु गुरु दृष्टि गुरु गुरु पुष्टि गुरु गुरु मजर स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीने सामान्यत श्रीमती सुमंजन और सुनीता जी आ जाए जो उनको आज कष्ट करने का अवसर प्राप्त हुआ है इंद्राणी को साथ में आरती करें आप लोग परिवार चालू करने भाई सोदन जी आरती करने जा रहे झूम झूम के रे स्वामी नाचना झूम
हम सब उतारी तेरी आरती करके करता कर ചിന്താമണി പാരസ്നാജിന്ദ്രൈനമത്തിൻകെ അത്ര ഉത്തസംഭൂഷ്ട അഹവായനം അത്ര തിഷ്ഠേ ഠാഠാഠായ സ്ഥാപനം അത്ര മം സന്നിതോ ഭവ സട് സന്നിധി കണ ദിവ പുഷ്പാഞ്ജലിം ശിവാമി इस जग में स्थित का कोई जन्म मरण करी अक्षय पद दीजे मो आयो शरण तेरी चिंता मणि पारस नाथ चिंता दूर करो मन चरण सुरे ओम रीम सी चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ इंद्राय नमा तिनके चरणों में अखंड क्षेत्र प्राप्त है अक्षर निरपामति जीवली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय ही दो इस प्रभु तत् काल निज पद भंग करी चिंतामणि पारसनाथ चिंता दूर करो मन चिंतित होते हैं काज सो प्रभु चरण चुरे ओम रीम कचने से चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ जिंद्राय नमः कामण विसाय पुष्प निरपामति नाना विधि ओ प्रभु चरण चुरे ओम रीम से चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ जिंद्राय नमः महामोक्ष फल प्राप्त है फल निरपामति जीवली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देखिए अर्घ जो है बड़े भक्ति भाव से आपको चढ़ाना है और बढ़िया से चल रहे पारसनाथ आप जो बोले थे शुरू में पारसनाथ जी का बड़ा ही दयालु कचने दादा बड़ा ही दयालु कचने बस विधि समृद्ध मिला। देखिए सभी को अर्घता बोली बस विधि समृद्ध मिला मेरो मिल जाए याते याचत हो चिंतामणि पारसनाथ चिंता दूर करो मन चिंतित हो थे का जो प्रभु चरण चुरे ओम रीम कचने से चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ जिंद्राय नमः तिनके चरणों में जलादि महा अर्घ्यम निरपामति स्वाहा जिलु चिंतामणि पारसनाथ भगि पारसनाथ जिंद्राय नमः अर्घ्यम निरपामति ओम्री पोस्कृष्ण जनक प्राप्त श्री पारसनाथ जिंद्राय नमः अर्घ्यम निरपामति ओम्री पोस्कृष्ण कथम तपकल प्राप्त श्री पारसनाथ जिंद्राय नमः अर्घ्यम निरपामति ओम्री चेतकृष्ण गणकल प्राप्त श्री पारसनाथ जिंद्राय नमः अर्घ्यम निरपामति ओम्री श्रवणस्कृष्ण मोक्ष प्राप्त श्री पारसनाथ जिंद्राय नमः अर्घ्यम निरपामति स्वाहा। चलें पूजन इसमें है ये पुस्तक समापन की ओर है कुछ ही पुस्तक बची है चार पांच पुस्तक ही बची है अब इस पुस्तक का मेरी काव्य की पुजारी भाई बिगाहोरी रोहिणी नगर का बहन भाई बिगाहोरी हरा पारस प्रभु जी आदर्श पाहोरी जल्दी आओ बेगा आओ जल्दी आओ बेगा आओ दर्श पाहोरी हरा पारसनाथ ने जैन के जो जगत आते पंखड़ा 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 बजाओ देखो आई शुभ घड़ी आई शुभ घड़ी देखो मंगल घड़ी आई शुभ घड़ी मंगल घड़ी ढोली रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी बजाओ देखो आई शुभ घड़ी हरो हरो दिलो बिना लाल गुलाबे हरो हरो नीलो पीलो लाल गुलाबी केसरिया रंग लगे सबसे प्यारो या रंग लगे सबसे प्यारो मेरे वाले पारस बाबा आए हैं तेरे दर
बैठे सवाली अजने रे वाले पारस बाबा आया है तेरे गर्भ सवाले अपनी दुबाए आंखों में आंसू दिल में उम्मीद पर छोड़ी काली अजने रे वाले पारस बाबा आया है तेरे गर्भ सवाले सवाले वाले पारस बाबा आया है तेरे गर्भ सवाले अरे देवा हो देवा पारस देवा तुमसे बड़ बड़ कौन हो तुमसे बड़ बड़ कौन अरे और तुम्हारे भगत जनों में देवा हो देवा पारस देवा तुमसे बड़ बड़ कौन तुमसे बड़े बनारस नगर में आनंद आया बनारस नगर में आनंद आया हरि के सौधर्म कुबेर का मन हर्षाया बनारस कुबेर का मन हर्षाया के धनपति रतन लुटावे अब तो जला लो अब तो जग मग दीप जला लो बहती गंगा में डुबकी लगा लो बहती गंगा में डुबकी लगा लो के अतिशय पुण्य कमा लो रे आजा आजा मेरे प्रभु पारस तले आजा चरणों में जगमग दीप जले जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो तुमसे बड़े बड़े को दीवा तुमसे बड़े बड़े और तुम्हारे भगत जनों में और तुम्हारे भगत जनों में हमसे बड़े बड़े को दीवा हमसे बड़े बड़े को देवा हो देवा सब देवा तुमसे बड़े बड़े को करती कमरे के ताले टूट गई मूर्ति की गर्दन स्वतः मेरी दंत कहानी भी सब अक्षर अक्षर सच्ची है अब भी गर्दन की जुड़ी हुई रेखाएं सबको दिखती है पापकारी या चोरी से हर व्यक्ति यहाँ पर डरता है दूध में पानी बेटे तो इस तन से लहू टपकता है ओ वीर सिंध अर आदि सिंध मुनि वर्षा योग को आए हैं इस सुयोग के कारण प्रभु जी दर्शन तेरे पाए ये सुनी तेरी संपत्ति चिंतामणि पारस हाँ सब बोलेंगे चिंतामणि पारस नाथ की गावे जो गुणमाल स्वर्ग भोग को भोग कर पहुंचे चले बोल दो चिंतामणि पारस नाथ आइएगा सभी भगवान की ओर नहीं खाली चले बोलो दूर हमारी काटो भव भव की कंदा चिंतामणि पारस जी नंदा बामा देवी की नंदा करो चिंता दूर हमारी काटो भव भव के पंदा ओम श्री चिंतामणि पारस चंद्रय नमः अंदर पद प्राप्त है जय माला पूर्ण महा अर्घ्यम दृपामति जेवली चिंतामणि पारसनाथ भगवान जेवली सुपारसनाथ भगवान की जय चेतवदी पंचमी शुभ थानी विजयंत तज के सुभिमानी मातु सुलक्ष्मण आगे और आए महासीन राजा मन भाए ओम मरीम श्री चेत कृष्ण पंचम गर्भमूल श्री चंदप्रभु चंद्राय नमः अर्घ्यम दृपामति जेवली चंदप्रभु भगवान की आरन से तज कर पर जायो रामा देवी की उर जायो नप सुग्रीव महा उत्सायो फागुन मदिन अवनी दिन गायो देखिए प्रत्येक जोड़े को एक एक कर चढ़ाना इसे साथ साथ में जाओ और वहां चढ़ाइए और आ जाओ है ना ओम रीम श्री फागुन कृष्ण नमो गलमंगलता श्री पुष्पन चंद्र राय नमः अरेगम निरपामति ओम रीम श्री श्रावण कृष्ण द्वितीय गलमंगलता श्री पुष्पन चंद्र राय नमः अरेगम निरपामति
घर में अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आएगे, आशीष आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते गे। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो, जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी। हमारा शिमला की ठंड ने एक दिन मुझसे पूछा, तेरे गुरुवर कैसे हैं। मैंने बोला तू देखे तो शर्माए, मेरे गुरुवर इतने ठंडे हैं। बोलो गुरुवर आचार्य श्री ओम रोम परम पूज्य परम प्रभावक बाल योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणों में जल फलादि मार्ग हम द्रो भामिति स्वाहा। गुरुदेव भक्त पर दर्श मिला तो मेरा मिला गिला, सुख सागर दर्श मिला तो मेरा गिला गिला। मेरी तुमसे बोल बद गई है, मेरी तो कदम बोल गई है, मेरी तो कदम बोल गई है। मैं देवी श्री अरिहंत पूज के पुनीत चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु, जब लो न पाया मुक्ति पद में ने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कछु मा करो, राखो मुझे देव चरण की से। श्रद्धा से आराध्य पद भक्ति प्रमाण, पूजा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण। राम रहीम रुम रुम राशि आउशन वर्थादि पंच परमेश्वर पूजा विधि विसर्जनम करो, मिश्वा अपराध क्षमापणम भवतु। जा 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 श्री जी ने वर जी की आशिका, लीजे शीश चढ़ाए भव भव की पातक करे दुख दूर हो जाइए। पधारिए मधुर मिलन है आज,
गुरु आशीष आप लेकर के स्वागत करता। चलिएगा, इनका सम्मान करने के लिए हमारी समिति के लोग हैं, हमारे संस्कार मंच के प्रचार मंत्री आ जाए पटनी जी, स्मिता पटनी जी आ जाओ, और सम्मान करने के लिए आ जाइए, बोधे से नीचे बैठी आ जाओ। अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। तत्व तो चर्चा में लीन थे देवराज सौ धर्मेंद्र, तभी देवराज का आसन कंपायमान होने लगता। सौ धर्मेंद्र विचार कर रहे, हमारा आसन अचानक कंपायमान क्यों हुआ? कोई ना कोई बात तो है, ये कोई देवीय उल्कापात है या किसी नक्षत्र का छप्पड़ है, या मेरे सिंहासन के ऊपर से कोई महान शक्ति का गमन हुआ तभी सिंहासन कंपायमान होता। क्यों ना मैं अवधि ज्ञान से यह सारा माजरा जानूं। नेत्रों को बंद करके तर्जनी उंगली को मस्तक पर आरूढ़ करते क्या ये बात है? जय हो। जय हो। लोगों का कल्याण करने वाला है स्वामी। कौन है वे? कहाँ है? कौन है वे? कहाँ है? हे पीढ़िए, जिस पल का, जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी अपूर्ण हुई। अर्थात सुनो, वाराणसी नगरी में मानद अभिलाषा अशोसैन के आंगन में जगतमती माता श्री वामा देवी के कुछी से 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का है जन्मकरण हो चुका है। जय हो। अभी केवल स्वर्गों में पता चला है। जैसे ही सौ धर्मेंद्र कहने लगते, भरत चित्र खंडे महाराज अश्वसेन के घर आंगन जगत जननी माते सुरी ने 23वें तीर्थंकर को जन्म दिया। पारसनाथ का अवतरण हो चुका है। जय हो। सारे इंद्र मिलकर स्वर्गों में बधाइयां होने लगती। सारे इंद्र भक्ति कर रहे हैं। अरे माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ले नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, घरों में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। जब जब बजी बधाई जनता दौड़ी दौड़ी आई, घरों में बजी बधाई जनता दौड़ी दौड़ी आई, सारे नगर में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। देखो सारी नगरिया बनी, हम अकेले नहीं अपने पूरी परिकर के साथ चलेंगे। मित्र कुबेर को साथ लेकर रत्न वृष्टि करते हुए स्वर्ग से पृथ्वी लोक चलते हैं, जन्म कल्याणक बनाते हैं। क्यों नहीं स्वामी? लोकपाल हमारे परम मित्र धनपति कुबेर को बुलाया जाए। जो आज्ञा, जो आज्ञा। देवेंद्र सावधान। कुबेर जी की ताली तो बजा दो, कुबेर जी आ रहे हमारे यहाँ। हे देवेंद्र, आपके कहे अनुसार आपके परम मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर को सम्मान सहित सुधर्म सभा में उपस्थित कराता हूँ। लेके आओ।
सावधान होशियार देवराज सौदर्मिंद्र के परम मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर अपनी वारिया धनश्री के साथ सुधर्म सभा में पधार रहे देखिए ये भेंट अमेरिका से आई है कुबेर के बेटे अमेरिका रहते हैं वहां से भेंट आई है आपके लिए बड़ी दूर से आए शरण में भेंट लाए तो बड़ी मित्र कुबेर इंतजार की घड़ियां पूर्ण हुई त्रिलोकीनाथ भगवान का जन्म हो चुका है अर्थात जन्म कल्याणक बनाने हमें वाराणसी नगरी चलना है। आप एक काम करो सुरमपुर पलकर वाराणसी जा सके वाहन आप वाहन जाति के देवों को आज्ञा दो वह अरावत हाथी बनकर हम उन सब पर बैठकर मध्य लोक प्रस्थान करेंगे बारा नगरी नगरी प्रस्थान करेंगे जो आज्ञा आपके कहे अनुसार ही सारे कार्य होंगे। धनपति कुबेर इंद्र वाहन जाति के देवों को आज्ञा देते और वाहन जाति का देव क्या बनता ऐरावत हाथी विशेषता बताते हैं कैसा हाथी चाहिए काला हाथी नहीं सफेद हाथी कितने सूंड वाला हो सप्त सुंडों वाला हो कैसा हाथी हो धरती में चलने वाला आकाश मार्ग में चलने वाला हो ऐसा विशालता 100,000 योजन का हो संपूर्ण परकर उस पर बैठ कर जा सके। अब आप ही बताना यदि किसी देव से कहा जाए कि तू हाथी बन जा तो उसे कैसा लगेगा। अब दिल को छूने वाली बात बता रहा हूँ दीदी इधर देखो ना। हाँ दीदी यदि किसी देव से कहा जाए कि तुम्हें हाथी बनना है तो उसे कैसा लगेगा जब वह हाथी बनेगा। मेरे हिसाब से तो वही दृश्य आएगा जब क्लास में किसी बच्चे को टीचर दंडित करता है कहता है अरे लड़के चल मुर्गा बन जा। देखिए हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर रहा है लेट कर आवाज आ रही वाहन जाति के देव तैयार कर लिया विमान क्या बात है यही तो अच्छा है साहब इससे पहले ही आवाजें सुनाई नहीं पड़ी। देखो अब सुन एक बार ताली बजा दो वाहन जाति का देव ऐरावत हाथी बन गया। मैं कह रहा हूं उस समय उसे कैसा लगना चाहिए जैसे क्लास में किसी विद्यार्थी को बोल दिया जाए कह रहे तूने ये अपराध किया चल मुर्गा बन जा और वह बेटा मुर्गा बन जाए और सारे क्लास के लड़के जब उसको बने मुर्गे को देखते हैं ना तो कैसा महसूस करते शायद ऐसा उस देव को भी लगना चाहिए पर नहीं यहां वह वाहन जाति का देव ऐरावत हाथी तो बन गया
उसे कतई खेद नहीं कि मैं त्रियंच गति का जीवे रावत बना हूं। उसे तो खुशी इस बात की है कि जब मैं हाथी बनूंगा और मेरी पीठ पर तीर्थंकर प्रभु बैठ कर जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे। यहाँ बड़ा ही मनोहारी दृश्य होता है, जैसे चक्रेश जी ने बताया वाहन जाति, शायद आपने पहली बार भी सुना होगा, देखना कहीं ग्रंथों में वाहन जाति का वर्णन कहाँ मिलता है। देखें 1,00,000 योजन विस्तार का वो ऐरावत हाथी होता है, उसकी 32 सूंड होती है, प्रत्येक सूंड के ऊपर एक एक सरोवर होता है, प्रत्येक सरोवर के ऊपर 108 कमल होते हैं, प्रत्येक कमल के ऊपर 108 पंखुड़ियां होती हैं, वो प्रत्येक पंखुड़ी के ऊपर एक एक नर्तकी नृत्य करती हुई जाती है, इस प्रकार का आगम ग्रंथों में वर्णन आता है। एक बार ताली बजा करके अनुमोदना करें, बहुत सुंदर दृश्य सौधर्मेंद्र यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। देवराज सौधर्मेंद्र संपूर्ण परकर के सहित चल देते हैं ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर स्वर्ग से धरती लोक वाराणसी नगरी की ओर। जिन धर्म की ध्वजा लहराते हुए सच्ची इंद्राणी तो अनुपम स्वर्ग की भेंट लेकर देवराज सौधर्मेंद्र धनपति कुबेर भारिया धनश्री प्रस्थान कर रहे हैं वाराणसी नगरी की ओर। चला इंद्र छम छम वाराणसी नगरिया, चला इंद्र छम छम वाराणसी नगरिया, वाराणसी नगरिया, वाराणसी नगरिया, चला इंद्र छम छम वाराणसी नगरिया। सारे इंद्र अपनी इंद्राणियों के साथ, इंद्राणी भी ले लो साथ में, इंद्राणी को साथ चलना आपको। हाँ चले, सारे इंद्र जो है इंद्राणी के साथ में जाएंगे। चली इंद्रों की टोली मिल एक साथ बोली, चली इंद्रों की टोली मिल एक साथ बोली, बनारस नगर चली, बनारस नगर चली, बनारस नगर चले, बनारस नगर चले, बोलिए वासना भगवान की। वाराणसी नगरिया भला एक झम झम बधाई हो राजा जी, बधाई हो। किस बात की बधाई है, पूरा समाचार दीजिए। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बिकी भाई थोड़ा सा आप कर दो सहयोग। और महाराज के दरबार में जैसे ही दूध का आगमन होता है, महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। और देखिए जब सूचना देने वाला इतना प्रसन्न है तो महाराज के मन में भी बात आ जाती है कि कोई बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी जब दूध इतनी प्रसन्नता के साथ आया। महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। क्या समाचार है, क्या बधाई है, बताइए। माइक पास में कर लो पहले, बताइए महाराज। जब से एक समाचार एक दासी के माध्यम से मिला सुना, बस जब से दौड़ा चला आया, कब आपके चरणों में आकर आपको ये सुखद समाचार सुनाऊं। महाराज बता दूं क्या? बिल्कुल बताइए। समाचार इतना बड़ा है, आप सोच रहे होंगे मुझे कोई सोने की खान का पता चल गया, आप सोच रहे होंगे हीरे मोती का पहाड़ मैंने देख लिया, आप सोच रहे होंगे चांदी के सिक्के का भरा घड़ा तो नहीं मिल गया, कोई खजाना का ताला का वो खजाने का ताले की चाबी तो नहीं मिल गई। हमारे लिए वो सब वैभव कुछ नहीं है हमारे लिए। महाराज सुनिए, महाराज इस समाचार के सामने वह हीरे मोती पन्ना सारे सुखे ऐसे खजाने के समाचार फीके हैं, ओछे हैं महाराज, इससे भी बढ़कर समाचार लेकर आया हूँ। बताइए तो सही, बताइए तो सही, आप इतना हर्षित हो रहे हैं, कुछ हमें भी तो बताइए। महाराज जब से समाचार मिला है बस हंसी ही हंसी निकल रही है। क्यों प्रजाजनों, बता दूं क्या? अरे बता दूं क्या राजा गणो, बता दूं क्या? तो सुनिए महाराज, आप बोले बता दूं, बोले पता दो पूछ रहे हैं सारे आदमी, आप पूछो तो क्या पूछ रहे, पता दो कि बता दो, बोलो जोर से सभी लोग। महाराज जरा दिल थाम कर बैठिए, मैं देख रहा आपको कि आपका रोम रोम पुलकित हो रहा, लालायत हो रहा कि कब समाचार सुनाऊं। तो सुनिए महाराज, अभी अभी एक दासी के माध्यम से समाचार मिला,
कि आपको एक ना जाने महाराज, जब भी बात कहने को होता हूँ हंसी से वो पेट हंसी निकल पड़ती है, पेट फटा जा रहा महाराज हंस हंस के। अरे ऐसे क्यों हंस रही हो, आज आप भी हंस लो, आज हंस लिया तो ता उम्र जिंदगी भर हंसते रहोगे, और आज जिसने नहीं हंसा कभी नहीं हंस पाएगा। समाचार मिलने से पहले एक बार खुशी मना लो, हंस लो। तो सुनिए राजा जी, बोलिए बोलिए, आपने हमारी उत्सुकता बहुत बढ़ा दी है। पुरस्कार तो मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। और सुनिए महाराज, संगीतकार भी बधाई देने आए हैं, कलाकार भी ढेर सारे हैं, सबको मिलेगा, पुजारी गण भी हैं, निश्चित रहो सबको मिलेगा। तो आप जैसा पुरस्कार बोलोगे उसके अनुरूप ऐसा सुखद समाचार सुनाऊंगा महाराज कि आज आप विवश हो जाओगे अपना भंडार खोलने के लिए। तो सुनाऊं महाराज? भंडार हमारे हमेशा। महाराज अभी अभी दासी के माध्यम से समाचार मिला है कि आपको एक मुझे क्या हो गया महाराज, अभी अभी समाचार मिला कि आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। देखिए कुछ व्यवस्थाएं मंच के अनुकूल दिखानी पड़ती हैं जो नहीं होता है। ये विधि सोधर माता पिता को तब तक पता नहीं चले। हाथी को जाने दो, हाथी थक गया बहुत, बाकी को बैठाओ वहां पे वहीं। चलिए सभी बैठ जाए, दो मिनट के लिए। देखिए अब आप लोग रैंप पे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। नमोस्तु गुरुदेव, चलिए आए, नमोस्तु करें, नमोस्तु ज्ञापित करें, आइए दो शब्द रखें। ओम रोम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणों में जल फलादि मार घम द्रोपामिति नमोस्तु गुरुदेव। आइए चलिए माइक दे दें उनको। चलें प्रधान जी आए और दो शब्द रखें अपने शीघ्रता से। जैसा कि महाराज आचार्य श्री ने बताया, खोल दो माइक। द्वारका में पंच कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा 6 फरवरी से 7 से 13 फरवरी तक, और 14 से 21 तक महामस्तकाभिषेक का आयोजन आचार्य श्री के सानिध्य में भी होना है। आप सब लोगों से प्रार्थना है, आप परिवार सहित मित्रों सहित जरूर पधारें, अवश्य पधारें, बहुत सुंदर मूर्ति है। और अगर आप लोगों को बस की कोई आवश्यकता हो तब भी आप बताएं, बस का इंतज़ाम भी यहाँ से हो जाएगा। आप द्वारका में आपका स्वागत है, आप लोग ज़रूर आएँ, अवश्य आएँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की कृपा कर। देखिए पूरी देखिए एक विशेष सूचना आप लोग को सभी को मिल रही है, 14 फरवरी से और 21 फरवरी तक महामस्तक है। आपके यहाँ कहेंगे किट भी भेज देंगे हम, उसके लिए धोती दुपट्टे वगैरह की। देखिए जैसे बाहुबली भगवान का मस्तक अभिषेक होता है, सेम उसी तट पे हमारे जो सारे नर नारी जो भी करना सभी कर सकते हैं, जो भी करना चाहेंगे, जैसे बाहुबली भगवान का मस्तक अभिषेक होता है उस तरह से वहाँ पर सबकी व्यवस्था होगी। सारी सूचना आपको मिल जाएगी, किट आदि की व्यवस्था वहाँ पर की गई। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए बहुत सुंदर, आए सारी अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें। जय बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की।
दोनों हाथ उठकर जयकार लगाएंगे। जय बोलिए चंद्र प्रभु भगवान की, जय बोलिए पुष्पदंत भगवान की, जय बोलिए मुनिसुतनाथ भगवान की, जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की, चिचमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, आचार्य श्री मानेतुंग स्वामी जी महाराज की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य बालयोगी आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती। हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती। होती तो हैं हजारों माँ जो इस जगत में जन्म देती हैं, होती तो हैं हजारों माँ इस जगत में जो जन्म देती हैं, लेकिन हर माँ आचार्य सिद्धांत सागर जैसे संत को जन्म नहीं देती। महानुभाव, आज यहाँ पर पारसनाथ भगवान का जन्म कलंक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, और आपको पता है कि पारसनाथ भगवान, यदि पूरे हिंदुस्तान में आप जहाँ पर भी मंदिर में भगवान के दर्शन करो, यदि वहाँ पर तीन प्रतिमा या पांच प्रतिमा हैं, तो उनमें एक प्रतिमा कौन से भगवान की जरूर होगी? पारसनाथ भगवान की होगी। सारे के सारे आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक 2400 के 24 भगवान मोक्ष को गए हैं, 2400 के पंचलाख मनाए गए हैं, 2400 ने सारी क्रियाएं करी हैं, लेकिन चिंतामणि पारसनाथ भगवान क्यों? कारण क्या पता आपको? बताइए। क्योंकि पारसनाथ भगवान का जब होता है कि आप पढ़ते हैं वर्णन कि तीन तीर्थंकरों पर अवसर हुआ है, सुपारसनाथ जी, पारसनाथ जी और महावीर भगवान, लेकिन पारसनाथ भगवान पर एक भव नहीं, दो भव नहीं, कब तक चलता रहा? 10 भव तक चलता रहा। हमारे पंडित जी उसमें बता रहे थे कि जब जब भी पंचकड़ा पारसनाथ भगवान कराया, अभी तो ठंडी का समय था, मैंने गर्मी में कराया था, उस समय भी जब पारसनाथ भगवान के ऊपर कमट का उपसर्ग होता है, क्या होता है? ओले, वर्षा, पानी। तो जब पारसनाथ भगवान का पंचकड़ा हो रहा है, तो हमारे पंडाल के आसपास भी थोड़ा बहुत तो कुछ चलेगा चक्कर, तो लेकिन क्या है कि जब पारसनाथ भगवान पारस बन गए, उसके बाद सारा चक्कर अपने आप समाप्त हो गया। तो आज यहाँ पर जन्म कलंक का दृश्य है। मैं हमेशा एक बात आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आज आप सभी लोग अपने अपने संतान को जन्म देते हैं, और सभी लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा सीए बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा कलेक्टर बने, मेरा बच्चा व्यापारी बने, मेरा बच्चा एमए करे, सब कुछ करे, लेकिन मैं आप सबों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो आने वाली संतान होगी, जो हो चुके हो तो ठीक है, जितने आपके बस में है नहीं है नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जो आने वाली आपके संतान होगी, तो आप मेरे पास आए साधुओं के पास जाएं, तो उससे एमए का आशीर्वाद लेना ले चलेगा, सीए का आशीर्वाद लेना ले चलेगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए ये आशीर्वाद जरूर लें कि हे गुरुदेव, आपके चरणों में निवेदन करने आ रहा हूं कि हमारे यहां जो बालक बालिका का जन्म हो, वह क्या करे, एमए के आगे एन लगा दो, तो क्या बन जाएगा, क्या लग जाएगा? एम ए एन मतलब क्या होता है? मैन। मैन मतलब आदमी, कि मेरे यहाँ का जो बच्चा है, कम से कम वह मैन बन जाए, आदमी बना रहे, और आदमी बना रहेगा तो जीवन का उसका कल्याण अपने आप हो जाएगा। आदमी तो आप सभी भी हो, आप सोचोगे आदमी हम नहीं है क्या? आदमी तो सभी हो, लेकिन साक्ष आदमी क्या होता है कि जो अच्छी तरह से क्रियाओं को करता हो, जिनेन्द्र का भक्त हो, गुरुओं का भक्त हो, जिनवाणी का उपासक हो, जिसके अंदर करुणा भाव आए, तो समझ लेना कि वह आदमी है। तो हम जब जन्म कल्याण का दृश्य मना रहे हैं, हम लोग आप विचार करिए कि जब आपके यहाँ पर संतान की उत्पत्ति होने वाली थी, आपके मन में कैसे कैसे विचार आए, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तीर्थंकर माता के 16 स्वप्न के माध्यम से कल आपको बताया गया कैसे कैसे स्वप्न आए, और आपने कई पंचांग देखे और स्वप्न के माध्यम से क्या हुआ कि मालूम चला कि तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। विचार करिए, हम लोग इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दे पाए, लेकिन हम लोग इतने सामर्थ्यवान तो जरूर हैं कि हमारे यहाँ पर जो बच्चा बच्ची जन्म ले, वह कम से कम तीर्थंकरों का, गुरुओं का भक्त तो बन सके, इतनी सामर्थ्य तो हमारे सबके अंदर है, लेकिन आपको अपनी सामर्थ्य को जगाने की चेष्टा करना है, क्योंकि तीर्थंकर बालक का जन्म पता नहीं आप कब दोगे, लेकिन तीर्थंकर बालक के भक्त का जन्म तो आप दे ही सकते हो, और देने का प्रयास करना ही चाहिए। ध्यान रखना, जो बच्चे, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जिन बच्चों के हाथ में भगवान की अभिषेक का कलश आ जाता है, उनके बच्चों के हाथ में कभी दारू की बोतल नहीं आ सकती, क्योंकि जो हाथ से भगवान का अभिषेक हो जाएगा, उस हाथ में कभी गंदी पदार्थ आ ही नहीं सकते। जिन बच्चों के हाथ में भगवान के चरणों में धूप चढ़ जाती है, उन बच्चों के हाथ में कभी सिगरेट सिगार आ ही नहीं सकते, क्योंकि वह हाथ हो जाते हैं जहां पर भगवान के चरणों में धूप अर्पित की गई है, वहां पर सिगरेट आदि कभी आ ही नहीं सकती। जिन बच्चों के हाथ में प्रारंभ से ही
अष्टद्रव्य की सामग्री आ जाती है, मंदिर में प्रभु के सामने, गुरु के सामने चढ़ जाती है, मुनि महाराज के आहार की थाली जिन बच्चों के हाथ में आ जाती है, उन बच्चों के हाथ में कभी नॉनवेज की प्लेट आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनके हाथ में आते समय हाथ कब कपाएंगे कि मैंने किसको आहार दिया और मैं क्या कर रहा हूं। तो आज जन्म कल्याण के पावन दृश्य पर आप सभी लोग यही कल्पना करें कि आज हम लोग तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव देख रहे हैं, जन्म कल्याण को मना रहे हैं। यह महज एक आपको बताने के लिए व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जब जब भी ये विचार करें तो यही भावना भाएं कि हे भगवान, इस भव में नहीं, आगामी भव में कभी ना कभी ऐसा अवसर जरूर आए कि जब भगवान का साक्षात में पांडुशिला पर अभिषेक हो तो उस समय हम लोग भी क्या हो, जन्म जो होता है पांडुशिला अभिषेक, तो उस समय हमारा नंबर भी आए और हम लोग भी पांडुशिला पर तीर्थंकर बालक का अभिषेक करने का प्रयास करें। ये आप भावना भावोगे तो आज नहीं, कल नहीं, परसों में तो हजार भाव के बाद में आए, लेकिन ये नंबर जरूर आए, आरक्षित कर लो। जैसे शिखर जी जाने की तैयारी एक साल पहले से करते हो, क्यों करते हो? अच्छा ये बताइए शिखर जी, बात आवाज आ रही मेरी? आ रही है, लेकिन आप लोग की नहीं आती। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, शिखर जी का टिकट बन जाए तो कितनी खुशी होती कि मैं शिखर जी जाने वाला हूँ। कहीं शादी ब्याह में जाने वाले हैं तो एक साल पहले तैयारी करते हैं, ऐसा करेंगे। तो आने वाले भवों की तैयारी भी तो अभी से करो, क्या है? नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, बस हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं अंचेमी, बोलिए अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमंसामी, दुखखो, कम्मखो, वोयलाओ, सुए गर्णम, समाही मर्णम, जिनगुण संपत्ति हो मच। क्या प्रयास करते हैं कि हे भगवान, हमारी जो है जिनगुणों की प्राप्ति हो और समाधि मरण हो। ये कैसे होगा? आप 24 घंटे में कभी मंदिर नहीं जा रहे हो, आप 24 घंटे में कभी गुरु के पास नहीं जा रहे हो, और अंत समय में सोचो कि भगवान याद आ जाए, तो कभी आने वाले नहीं हैं। तो अपने जीवन का कल्याण करें, समय अविरल गति से बढ़ रहा है। तो आज जन्म कल्याण के पावन प्रसंग पर बड़ी प्रसन्नता की बात है कि रोहिणी सेक्टर 3 में 3 नंबर है और तीसरा चौमासा भी इनके मंदिर में मेरा ही हुआ। और तीसरे जो भगवान जी हैं कौन से हैं? संभवनाथ भगवान जी, उनकी प्रतिष्ठा महोत्सव भी साथ में हो रही है। और बड़ी आप पुण्य के अनुमोदा देखेंगे, अभी आप देख रहे हैं कि अभी भगवान जी का जन्म होगा, जन्म के बाद में क्या होगा, कल उनका बताइए क्या होगा, तब होगा ज्ञान होगा और मोक्ष होगा। तो जन्म के बाद में जैसा बच्चा होता ना, पहले अशरीर, जैसा सब व्यक्तियों का जन्म कैसा होता है, नग्न रूप में ही होते हैं, उसके बाद में इत्र पुत्र बोले तमाम कपड़े पहनाते, बाद में क्या होता है उसको मरण के समय भी वापिस जाया जाता है। तो उसी तरह से आप यहां पर जन्म से मोक्ष तक की प्रक्रिया देखोगे। और 23 तारीख को यहां पर इसी पंडाल में आप देखेंगे कि हमारे इलक जी महाराज, कन्हैयालाल जी और कमलेश जी, ये तीनों के तीनों जो हैं अभी वस्त्र में हैं, और अभी इनके वस्त्र भी हैं, ये सुली का माता जी बनेंगे, इनके वस्त्र बदल जाएंगे, इनके कन्हैयालाल जी के वस्त्र बदल जाएंगे, और हमारे जो एलक महाराज जी के तन पे मात्र एक लंगोट है वही भी उतर जाएगी, और साक्षात दिगंबर यथाजात जो मुद्रा है उस मुद्रा में आ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य कि आपको कितने सारे अवसर मिल रहे हैं, जन्म कल्याण देखने को मिल रहे हैं, मोक्ष कल्याण देखने को मिल रहे हैं, और साक्षात में जो मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हैं उनको मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप रोहिणी के लोग बैठे हैं, कितने सारे लोग, अच्छा आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी कॉलोनी से कोई महाराज जी बनाए, हाथ खड़े करो, महाराज जी या माता जी, तुम्हारी बुआ बनी है, तो 2-3 ही लोग हैं सारे। और मैं आपको बताऊं, लेकिन अभी जब इस दीक्षा हो जाएगी कमलेश जी की, तो उसके बाद क्या बोलेंगे, हमारी रोहिणी से एक माता जी तो बनी है, 5,000 घर में एक दीक्षा लेने वाले हैं, 5,000-4,000 घर होंगे, और उनमें से पहला कोई व्यक्ति अपने पुण्य को जगा रहा है कि दीक्षा महोत्सव करा कि पूरे विश्व में कोई साधु बनाई नहीं। तो आपका अगले बार तो बोलोगे हमारे रोहिणी से ही बनाए। तो अपने जीवन का कल्याण करना है, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है, तो हमेशा अच्छी अच्छी भावना भाइये, शुभ भावना भाइये, और प्रभु का जन्म कल्याण महोत्सव मना रहे हैं, ऐसा प्रयास करें कि हे भगवान, आज आपका जन्म कल्याण महोत्सव मन रहा है, अगली बार हमारा जन्म कल्याण महोत्सव बने ना बने, लेकिन कम से कम हमारा जन्म सुधारक महोत्सव तो जरूर बन जाए, क्योंकि हमारा जन्म सुधर जाएगा तो हमारा जीवन अपने आप सुधर जाएगा और हमारा जीवन कल्याण होगा, यही मंगल भावना। जय बोली गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ के। देखिए बहुत सुंदर शब्दों में पूज्य गुरुदेव ने अपनी बात को रखा, निश्चित रूप से कल्याण देवराज सौधर्मेंद्र संपूर्ण पढ़कर भक्ति भाव के साथ महाराजा धीराज महाराज अश्वसेन को बधाई देने आ रहे हैं। आ जाएं आप लोग भी, आ जाएं सभी, आ जाएं इंद्रगढ़, सभी खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ। मनीष भाई कहां पर है? देखिए 2300 रुपए में मनीष जी कलश और धोती पट्टे लगभग 25 लोगों ने सुबह सौभाग्य प्राप्त कर लिया था, और भी कोई सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है
मात्र 2300 रुपए में एक सुंदर सा धोती दुपट्टा भी दिया जाएगा। आपको पुत्र रतन की प्राप्ति पे बधाई हो महाराज, बधाई हो। और किस प्रकार से बधाई दे रहे हैं महाराज अश्वसेन को? अरे बधाई देवा चलो, बधाई देवा चलो, बधाई देवा चलो, बधाई देवा चलो, राजा अश्वसेन दरबार में बधाई देवा चलो, राजा अश्वसेन दरबार में बधाई देवा चलो, 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 राजा अश्वसेन दरबार में बधाई देवा चलो, राजा महाराज अश्वसेन को आपने बधाई दी है, पर बधाई करने के लिए आए हमारे कुलदीप भैया, बिक्की भैया, ये सभी इनकी टीम आई है। कुछ कलाकार देखो वेशभूषा से सुशोभित कर रहे हैं और कुछ पुजारी गण भी हैं। तीनों नहीं नहीं यहाँ वाली अभी बधाई नहीं चाहिए, आप तो बोल दो हम ले लेंगे बाद में। तो तीनों पार्टियों के लिए आपकी ओर से क्या बधाई मिलनी चाहिए? आप सौधर्मिंद्र हैं, देखो आंगरमा मई ऐसे थोड़ा सा लगे। चलिएगा, देवराज सौधर्मिंद्र ने तीनों पार्टियों के लिए 2100 रुपए देने की घोषणा की। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। राजा अश्वसेन दरबार में बधाई देवा चालो, राजा अश्वसेन दरबार में बधाई देवा चालो, बधाई देवा चालो, बधाई देवा चालो, बधाई देवा चालो, बधाई देवा चालो। धनपति कुबेर इंद्र रत्नों का थाल लेकर आएंगे, महाराज अश्वसेन को बधाई दे रहे हैं। आइए, बधाई हो, बधाई हो। देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, ओ देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, ओ देखो जन्मे पारस राजा, इंद्र राजा बजाए का बाजा, इंद्र राजा बजाए का बाजा, इंद्र राजा बजाए का बाजा, ओ इंद्र राजा बजाए का बाजा। बधाई हो, हेलो हेलो, चलिए। कुबेर जी आपकी ओर से भी बनता है आज के दिन के लिए, तो तीनों पार्टियों के लिए क्या बोला जाए? चलिए तीनों पार्टियों के लिए आपने लेके ही आए लिफाफे नहीं, अभी वाले में दिक्कत होगी महाराज, हम ले लेंगे, शाम को ले लेंगे जो बोल रहे हैं बोल दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, 1100 रुपए की घोषणा की है। बहुत बढ़िया, ताली बजाएं सभी लोग कुबेर जी, बाद में दे दीजिएगा। हाँ कुबेर इंद्राणी कह रही है महाराज इनका ही सब कुछ है। हाँ तो ये बामा के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, बामा के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, बामा के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, अरे सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। महायज्ञ नायक जी सौधर्मिंद्र जी जाएं और पिताजी को आगे लेकर आए, बधाई देंगे। हाँ लेकर आइए, आज बधाई हो महाराज, क्या बात है। और आ रहे हैं महाराज अश्वसेन भी आज नृत्य कर। बधाई ओ पंच वाराणसी, बधाई पितृ भवन के नाथ जननी, पितृ भवन के नाथ जननी, वाशनाथ जी जय हो, हरे वाशनाथ भगवान की। लुटावे मोहरे, ओ तेरे पिता लुटावे मोहरे, ओ अश्वसेन लुटावे मोहरे, लुटावे मोहरे, हो जी हो, तेरे पिता लुटावे मोहरे, अश्वसेन लुटावे मोहरे, भजन सारे खुल जाएंगे, भजन सारे खुल जाएंगे, बजना दे। विक्की भैया आप कह रहे हो जी पिता लुटावे मोहरे, पिताजी आगे आइए। विक्की भैया माता के लल्ला हो गया, आगे आइए। सरना जी महाराजा अधिराज अश्वसेन आज अत्यंत प्रसन्न है, मोहरे लुटा रहे हैं। पिताजी एक मिनट, महाराज ये संगीतकार बहुत अच्छे गीत गा रहे हैं, भी सबके लिए क्या क्या बोला जाए?
तीनों पार्टियों के लिए महाराज अश्वसेन ने 5100 रुपए की। अरे मामा के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, मामा को लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। नगरी में बजी बधाई, जनता दौड़ी दौड़ी आई, नगरी में बजी बधाई, जनता दौड़ी दौड़ी आई। अरे सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे करेंगे। क्यों नहीं सची, आप चिंता ना करें, आप यही रुको, मैं जल्दी से जाता हूँ, मैं तीर्थंकर बालक को लेकर आता हूँ। ठीक है स्वामी, जल्दी आइए। सौधर्मिंद्र कह रही हैं सची आप रुको, मैं जाता हूँ और तीर्थंकर बालक को लेकर आता हूँ। बड़े बड़े कदमों से बड़े चले जा रहे हैं सौधर्मिंद्र, प्रसूति ग्रह की ओर सौधर्मिंद्र बड़े चले जा रहे हैं, बड़े बड़े कदमों से। एवरी से सुदेश जी आए, उनका भी सम्मान हमारे प्रधान जी कर रहे हैं। सुमित भाई बड़ा अरे देवियो, हमें जाने दो, हमें तीर्थंकर बालक को लेके आना है। अरे आप कौन हैं? नहीं नहीं आप नहीं जा सकते। अरे देवियो, हमने ही तुम्हें नियुक्त किया और हमें ही मना कर रही हो। क्षमा करें हे देवेंद्र, आपने ही तो कहा था महाराज की आज्ञा का पालन करना है। तो क्या कहा महाराज ने? महाराज का कहना है प्रसूति गृह में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, आप तो पुरुष हो, आप वहां नहीं जा सकते। हे भगवान, हे भगवान। माथा ठोक लेते सौधर्मिंद, ठोक लो माथा, मैं कहां चला जा रहा, मैं कहां चला जा रहा। भावनाओं में इतने उत्साहित थे कि मैं जाऊंगा तीर्थंकर प्रभु का पहला दर्शन करूंगा, उनको लेकर आऊंगा, पर यहां अष्टकुमारी इन्हें याद दिला देती कि आप तो पुरुष हो और पुरुष प्रसूति गृह में प्रवेश नहीं करते, अपने आप को ठगा सा महसूस कर वापस दौड़े चले आ रहे हैं देवेंद्र सौधर्मिंद्र जी। मैं भावनाओं में बह गया था, मुझे पता नहीं मुझे कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। अरे ये अवसर तो तुम्हें मिलने वाला है, अरे ये अवसर तो तुम्हें मिलने वाला है। आप धन्य हो सची, तीर्थंकर का प्रथम दर्शन आप करोगी, प्रथम गोद में आप लोगी, आपकी नारी पर्याय धन हो गई। आप सिकता से जाओ, आप तीर्थंकर बालक को लेकर आओ। हे स्वामी, ये आप कैसा काम सौंप रहे हैं? भैया थोड़ी इसकी आवाज बढ़ा दो सची वाले माइक की, इसकी इस माइक की आवाज बढ़ा दो सची वाली, बोलो ना यार भैया वो सुनने वाले कौन है। हे स्वामी जोर से बोला करो, पास जोर से, नहीं नहीं हमसे नहीं ये काम नहीं होगा, आप ही बताइए। आप कह रहे हैं बालक को लेकर आओ, अभी अभी का जन्मा नवजात शिशु, अभी अभी का नवजात शिशु किसी माँ के पास से ले आऊंगी तो, किसी माँ के पास से ले आऊंगी तो माँ का दिल दुखेगा। नहीं ये काम मैं नहीं कर सकती। सचमुच बात सोचने की है, सच्ची कह रही है हे नाथ आप कैसा काम सौंप रहे हैं, अभी अभी का जन्म नवजात शिशु माँ के पास होगा लेटा होगा,
यदि माँ के पास से शिशु को ले आऊंगी और माँ टटोलेगी अपने पुत्र को ना पाएगी तो भाई तो तड़प उठेगी। मैं अच्छे से जानती हूँ एक त्रियंच गति का जीव गाय भी अपने बछड़े को पल भर के लिए जुदा नहीं कर सकती, तो फिर ये तो साक्षात तीर्थंकर की माँ है। ना ना स्वामी ये काम मत हमें सौंपो। तब सौधर्मिंद्र कहने लगते, हे सची तू तो अनेक शक्तियों की धारक है, एक काम कर अपनी माया से एक मायावी बालक का निर्माण कर, मायावी बालक को सुलाकर तीर्थंकर प्रभु को ले आ। हाँ स्वामी ये तो मैं कर सकती हूँ, माया जाल मैं तो फैलाकर माया जाल में तो फैलाने में तो मैं बहुत आगे हूँ। सची एक बात का ध्यान और रखना, माँ को भी सुखमयी निंद्रा में सुला देना, जब तक हम अभिषेक करके ना लौटे माँ भी जागने ना पाए। तू तो बहुत अच्छे से माया कर लेती है। हाँ मामी। और सची इंद्राणी अपनी माया से एक मायामयी बालक का निर्माण कर रही है, जा रही माया जाल फैलाती है। अरे सची दिखाओ तो कैसा बालक बनाया है। एक बार ताली बनती है, माया से कितना सुंदर बालक का निर्माण किया, मायामयी बालक को लेकर माँ माँ के पास सची इंद्राणी बड़ी चली जा रही है भक्ति के साथ, धीरे धीरे कदमों के साथ। छम छम करती चाली सची भोली भाली माता की महलों में जाए, छम छम करती चाली सची भोली भाली माता की महलों में जाए, जहाँ पर सोई वामा माता चुपके से महलों में जाओ, जहाँ पर सोई वामा माता चुपके से महलों में जाओ, मैं तो तभी पाओ जाऊँ कहीं शोर ना मचाऊँ, मैं तो तभी पाओ जाऊँ कहीं शोर ना मचाऊँ, मैं तो माता के महलों में चाली छम छम करती चाली सची भोली भाली। दबे दबे पांव गई सची इंद्राणी मायामयी बालक को लेकर, गई है 84 खंड का भवन, विचार करती ना जाने कौन सा कक्ष होगा माँ का, और बड़ी चली जा रही है। इधर थोड़ा सा सारी देवियां भी साथ जाती हैं सची इंद्राणी के, इधर थोड़ा सा विलंब हुआ कि सौधर्मिंद्र से रहा नहीं जा रहा, वह इधर उधर देखने लगते कि किस दरवाजे से सची आ रही, आज इतना विलंब क्यों कर रही है, कब आ जाए और मैं त्रिलोकीनाथ के दर्शन कर लूं उनका स्पर्श कर लूं। मन में सोच रहे हैं यहाँ वहाँ वो देख रहे, इधर उधर वो झांक रहे, कब आएगी मेरी इंद्राणी, इतनी देर लगाती क्यों है, इतनी देर लगाती क्यों है, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। सौधर्म मन में सोच रहे यहाँ वहाँ वो देख रहे। देवेंद्र इधर आइए, लगता आपकी इंद्राणी देखे वो आ रही है। अरे नहीं लोकपाल, मेरी इंद्राणी वो नहीं है, देवी इंद्राणी तो पूनम के चांद की तरह है, लाखों में एक है। हाँ हाँ वो यदि आपकी इंद्राणी पूनम का चांद है तो नहीं, वो तो अमावस्या की काली रात दिख रही है। आइए इधर देखते हैं। सौधर्म मन में सोच रहे इधर उधर वो झांक रहे, यहाँ वहाँ वो पूछ रहे कब आएगी मेरी, यहाँ वहाँ वह पूछ रहे, इनसे पूछिए कहीं मेरी इंद्राणी को देखा है आपने। लो रोहिणी के इंद्राणियों के तो देखो क्या हाल है, क्या उत्तर देती है। सौधर्मिंद्र ने इनसे पूछा मेरी इंद्राणी को देखा क्या,
तो इंद्राणी का जवाब है, मुझसे पूछकर थोड़ी गई थी तुम्हारी इंद्राणी। क्या जवाब है, देख रहे हैं इधर उधर पूछ रहे हैं। उधर में मन में सोच रहे, यहाँ वहाँ वो देख रहे, इधर उधर वो झांक रहे, कब आएगी मेरी इंद्राणी, इतनी देर लगाती क्यों है, इतनी देर लगाती क्यों है, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। सोधर मन में सोच रहे, यहाँ वहाँ वो देख। वास्तव में ये आप महसूस कर सकते हो कि कैसा लग रहा होगा उनके दिल को, कब प्रभु को देख लूं, कब उनका मनोहार कर लूं, कब उनकी सुगंध ले लूं, कब उनका स्पर्श कर लूं, देख रहे हैं। अरे मिल गई सौदर्विंद्र जी, देखिए देखिए, वो है पूनम के चांद की तरह वो आ रही है। कहीं वो है क्या आपकी इंद्राणी? नहीं है, वो नहीं है मेरी नैनी, तो मृग नैनी है मेरी देवी। क्या? अरे जो है वो बोल दो, कोई बात नहीं। देवेंद्र कह रहे हैं कि आपकी इंद्राणी तो मृग नैनी है, उनके नयन नक्श इतने आकर्षक सुंदर हैं कि मैं दूर से ही समझ सकता हूँ कि मृग नैनी वो मेरी इंद्राणी वो। हाँ देवेंद्र, तो वो तो मृग नैनी नहीं है, वो तो मृग नैनी दिख रही है। आइए इधर। तभी अरे मीठी मीठी पायल की आवाज सुनाई पड़ रही है, लगता है जैसे आपकी सची तो नहीं आ रही। हाँ हाँ, लग तो यही रहा है मुझे भी, पक्का मेरी सची यही है। पर देर क्यों कर रही है, जल्दी क्यों नहीं आ रही? धीमे धीमे कदमों से सची इंद्राणी आ रही है। जब से तीर्थंकर बालक का स्पर्श किया, वो भी बावरी हो गई, भूल गई कि कोई बाहर इंतजार कर रहा, बस प्रभु को निहारे जा रही है, उनको मनोहर प्यार दुलार करते जा रही है। धीरे धीरे पगला धरती छम छम चारे इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती छम छम आ गई इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर महलों में आ गई इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती छम छम आ गई इंद्राणी, धीरे धीरे। देखो इधर उधर देखो, ओ तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर महलों में आ गई इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती छम छम आ गई इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती छम छम आ गई इंद्राणी। सोधर्म मन में सोच रहे, यहाँ वहाँ वो देख रहे, कब आएगी मेरी इंद्राणी, इतनी देर लगाती क्यों है, इतनी देर लगाती क्यों है, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। सोधर्म मन में सोच रहे, तो आप सोच रहे होंगे इतना विलंब क्यों कर रही है। आपको बताओ, यदि आपके हाथों में भगवान आ जाएं, तो क्या आप परिवार का याद करोगे या फिर प्रभु को निहारोगे? मैं भगवान कसम पीछे देखकर आया हूँ, सची इंद्राणी तो बस हाथों में लेकर देखे ही जा रही है, सब कुछ भूल गई। मैंने कहा बाहर चलो, सुनाई नहीं पड़ा, इंतजार कर रहे हैं देवेंद्र सौदर्विंद्र, देख रहे हैं, निहार रहे हैं, थोड़ा और देख रहे हैं ये। सौधर्म मन में सोच रहे, यहाँ वहाँ वो देख रहे, इधर उधर वो झांक रहे, कब आएगी मेरी इंद्राणी, इतनी देर लगाती क्यों है, इतनी देर लगाती क्यों है, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। सौधर्म मन में सोच रहे, इधर उधर वो देख रहे, ये देवेंद्र क्या हो गया होगा सची को? अरे देवेंद्र देखिए देखिए, आ गई इंद्राणी, तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर महलों में आ गई इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती छम छम आ गई इंद्राणी। सौधर्म उनसी मांग रहे, हाथ जोड़ कर मांग रहे, सौधर्म उनसे मांग रहे, पर ना दिखलावे इंद्राणी, अजी मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी,
यूं कहती है इंद्राणी धीरे धीरे पग जावे छम छम आ गई इंद्राणी। ओहो हो बैठ जाओ आप लोग बैठ जाओ, आनंद आनंद बिखरने वाला है, बैठ जाओ अपने पास। इधर देवेंद्र सौधर्मेंद्र दौर पड़ते हैं, लाओ सचि लाओ अब और मत तरसाओ, एक तो इतने विलंब से आई हो और हमसे किनारा काट रही हो, जल्दी दे दो प्रभु को दे दो। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, अभी हमारा जी कहाँ भरा, प्रभु जैसे ही गोद में आए हैं लगता है इनको ही प्यार जताती रहूं, इनका ही मनहार करती रहूं, अभी अभी तो आए हैं, अभी अभी नहीं दूंगी नाथ। एक तरफ मुड़ जाती है, अभी नहीं दूंगी प्रभु को, अभी नहीं दूंगी। तब सौधर्मेंद्र कहते हैं, सुन ली ओ सच इंद्राणी, ललना को मोहि दिखाई दे, बाकी दर्शन कर भई दे, मन की तृषा मिट जाएगी ओ रानी, मन की तृषा मिट जाएगी ओ रानी। सुन ली ओ सच इंद्राणी, ललना को मोह दिखा दे, बाकी दर्शन कर भई दे, मन की तृषा मिट जाएगी ओ रानी, मन की तृषा मिट जाएगी। सौधर्मेंद्र कह रहे हैं, दे दे प्रभु को दे दे, मन की जो तृष्णा है दशा है बुझ जाएगी मिट जाएगी। यदि सची इंद्राणी का उत्तर अच्छा लगे तो आप ताली बजा देना। क्या जवाब दे रही है सची इंद्राणी सौधर्मेंद्र को? सुन लो ओ इंद्र राजा, ललना को ना ही दिखाऊं, सुन लो ओ इंद्र राजा, ललना को ना ही दिखाऊं, ओ ना ही दर्शन करवाऊं, इनको नजर लग जाएगी राजा जी, इनको नजर लग जाएगी। सुन ली ओ सची इंद्राणी, सची कह रही है कि देवेंद्र हे स्वामी हे प्राणनाथ, मैं इनको दूंगी, अभी अभी के जन्मे शिशु है, आप इन्हें देखोगे कहीं इनको नजर तो ना लग जाए, इनको नजर लग जाएगी तो। सौधर्मेंद्र कहने लगते, तू बाबरी हो गई है, भोली हो गई है, अरे ये त्रिलोकी नाथ हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से संसार के सभी जीवों की नजर स्वयं उतर जाती, भला उन्हें नजर लगने वाली है क्या? हे देवेंद्र ऐसे काम बनने वाला नहीं, देखो स्त्रियों को थोड़ा सा लालच दे दो ना तो काम बन जाता है जल्दी से, आप भी इनको प्रलोभन दो ना। हे सची मेरे स्वर्ग का सारा वैभव ले ले, आधा सिंहासन ले ले, मुझ पर तरस खा, मुझे प्रभु को दे दे, दे दे सची दे दे। हे स्वामी बातों में मत उलझाओ, आप कह रहे हो कि स्वर्ग का वैभव ले लो, आधा सिंहासन ले लो, वो तो सब पहले से मेरे पास है, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। सची कहती है, नाथ बातों में मत उलझाओ, और एक तरफ फिर मुड़ जाती, नहीं देंगे स्वामी। तब कह रहे हैं सौधर्मेंद्र, एक बार दई दो श्री जी मारे हाथ मा, ओ थारी घणी रे करू में मन वास, प्रभु जी मारे हाथ में दो, थारी घणी रे करू में मन वास, प्रभु जी मारा हाथ में दो। जय हो, हाँ जी हाँ जी हाँ, अरे ना 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 ना, ना जी ना जी ना, एक बार दई दो श्री जी मारे हाथ मा, एक बार दई दो श्री जी मारे हाथ मा, हरी घणी रे हरी घणी रे करू में मन वास, प्रभु जी मारे हाथ में दो, हरी घणी रे करू में मन वास, प्रभु जी मारे हाथ मा दो। नहीं सुनती सची, कहने लगते एक बार तो दे दो, बस एक बार दे दो सची, जब बात नहीं। हे देवेंद्र कुछ बातें और बनानी पड़ेंगी, आप तो द्वादश संघ के पार्टी हो, कुछ विचार करो जिससे सची मान जाए, पहले भी तो मनाते होगे। कह रहे हैं ऐसी कभी बात ही नहीं आई। हाँ हाँ बा हे सची, मैं तेरा नाथ हूं,
मैं तेरा स्वामी हूँ, अपने स्वामी को तो दे दे। ठीक है स्वामी, आप माना मैं हमारे नाथ है। मानो हमारे स्वामी हो, पर अभी हमारे हाथों में तो तीनों लोगों की नाथ है, तीनों लोगों की स्वामी है। आप इनके सामने कुछ भी नहीं लगते। कह रहे हैं जिनके हाथों में तीनों लोगों के नाथ, तीनों लोगों के स्वामी हो, आपकी क्या विशात, आप इस समय कुछ भी नहीं हो मेरे, आप स्वामी हो। मैं तो ये भी भूल गई, अभी तो प्रभु है मेरे हाथ, ऐसे काम बनने वाला नहीं। थोड़ा एक काम करो, हाथ जोड़ लो, क्या जाता अपना। देखिएगा सौधर्मिंद्र के मन में दोहरा विचार चल रहा, ये कह रहे हैं प्रभु मैं तुम्हें हाथ जोड़ रहा, सची को नहीं जोड़ रहा। अरे पंडित जी समझा देंगे। हाँ। हे प्रभु मैं तुम्हें हाथ जोड़ रहा, और हाथ जोड़कर कैसे सौधर्म इंद्र मांग रहे हैं कि प्रभु को सौधर्म उनसे मांग रहे हाथ जोड़। देखिए सौधर्म इंद्र मनुहार करता है, अनेक प्रकार का प्रलोभन देता है। हे भगवान आज मेरी स्त्री पर्याय धन हो गई, और आगम ग्रंथों में लिखा है कि एक सौधर्मिंद्र के शासन काल में 40 नील सचिन रानी मोक्ष का वर्ण कर लेती हैं। सौधर्मिंद्र हाथ जोड़ लेते हैं, नहीं मानती सचिन रानी, सौधर्मिंद्र घुटनों पर बैठ जाते हैं और निवेदन करते हैं, फिर भी सचिन रानी नहीं मानती है। फिर सौधर्मेंद्र पूरे बिल्कुल लेट जाते हैं, बिल्कुल। अभी एक बात ध्यान रखना, अभी इंद्राणियों की सबसे ज्यादा तालियां बजी। अब सुनो, ऐसा मत करना कि घर जाके अपने इंद्र से बोलो कि आप भी लेटो, सौधर्मेंद्र मंच में लेटा था। ये सौधर्मेंद्र इंद्राणी के लिए नहीं लेट रहा है, सौधर्मेंद्र के हाथ में जो तीन लोग के नाथ है उनके लिए सौधर्मेंद्र यहां पर लेट रहा है। सौधर्मेंद्र खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाए, आए अब सुंदर से तरीके से हमारे चक्रेश भाई। देखिए मैंने कहा ना दोहरी बातें हैं। सौधर्मिंद्र ने सोचा मैं प्रभु तुम्हें नमस्कार कर रहा हूं, अष्टांग प्रणाम कर रहा हूं, वही विचार आता कि मेरे जीवन में तो 40 नील सचियां आएंगी, इन्होंने तो अभी प्रभु को लिया और इसी भाव से ये मोक्ष चली जाएगी, यदि ऐसे मोक्षगामी जीव को मैं प्रणाम भी कर दूं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। आखिर जब इस मुद्रा में एक बार फिर से मुद्रा बना लो तब तरस खाएगी सची। हाँ सौधर्म उनसे मांग रहे बैठ बैठ कर मांग रहे ना दिखलावे इंद्राणी। बस स्वामी रहने दीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं। सची कहने लगती नहीं नाथ नहीं, खड़े हो जाइए, जी भर के मैंने तो देख लिया, अब आप भी इनका स्पर्श मनोहर इनकी सुगंध लेकर अपने जीवन को आप भी धन्य करिएगा। और कैसे दे रही सची, पर दे तो रही, बार बार पीछे हट जाती कि ये बालक गोदी से नहीं दिए जाते नाथ, नहीं दिए जाते, और कहने लगती लीजिए लीजिए ले लीजिए नाथ। सामने देखो थोड़ा सा, दोनों पावन हम तुम दोनों को होना तो है पर गोदी से दिए नहीं जाते हैं, सच मुझ में नाथ खिलौना है, गोदी से दिए नहीं जाते सच मुझ में नाथ खिलौना। लीजिए स्वामी लीजिए, आप भी धन्य कर लीजिए, दे दो सच्ची दे दो, तालियां बजाओ एक बार। अरे ले लो प्रभु जी थारे हाथ, खुशी रो भंडार भरो, ले लो प्रभु जी थारे हाथ, खुशी रो भंडार भरो। और सचिन रानी दे रही है तीर्थंकर बालक को, दे अपने स्वामी के लिए, लीजिए स्वामी लीजिए, हाँ हाँ दे दीजिए, जय हो। ले लो प्रभु जी थारे हाथ, खुशी रो भंडार। और जैसे ही भगवान त्रिलोकीनाथ इनके कर कमलों में आते, देखने लगते आज तो सौधर्मिंद्र को दो नेत्र कम पड़ रहे हैं। स्वामी
दिल ही नहीं मान रहा, दो नेत्रों से मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूं। अपने सर्वांग शरीर में 1000 नेत्रों का निर्माण करके निरख निरख कर देख रहे हैं। मन को भाई प्रभु जी तेरी प्रतिमा, जय हो आए तेरी प्रतिमा रे, आए है तेरी प्रतिमा रे। मेरे मन को भाई जिनव तेरी प्रतिमा, आए है तेरी प्रतिमा रे, आए है तेरी प्रतिमा रे। जय हो तीर्थंकर बालक पार्श्वनाथ की, और संपूर्ण परकर के साथ सभी का साथ लेकर देवराज सौधर्मेंद्र और ऐसे पावन पुनीत मौके पर अनुष्ठान के ईशान इंद्र ने भी तीनों पार्टियों के लिए 2100 रुपए की राशि देने की स्वयं ही घोषणा की है। दृश्य को देखकर एक बार बधाई देता आज के भोजन की व्यवस्था जैन कैटर्स की तरफ से की गई है। देखिए अभी बोल दिया पार्श्वनाथ भगवान, ऐसा पता कब चलता है, जब पांडुक शिला पर अभिषेक करते हैं शवधर्मेंद्र, उस समय वहां पर पैर में चिन्ह देखते हैं, उस समय वहां पर नाम की घोषणा होती है। उनकी व्यवस्था जैन कैटर्स की तरफ से की गई है और उनके परिवार के जो भी अतिथि हैं वो आए गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और 2300 रुपए की है दुल्हनिया बधाई हो, जय हो। देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, देखो जन्मे इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। जब जन्मे तीर्थंकर तब सारी नगरी पर एक हर्ष जाया, मदद एक हर्ष जाया। ऐसा मत करिए सौधर्मेंद्र, कहां कहीं बाहर चले गए क्या योगी? हेलो, आप लोगों को प्रतिमा अपने पास देखिए। देखिए शोभा यात्रा की तैयारी कर दें, बैंड बग्गी सारी तैयारी कर दें, 2 मिनट के अंदर यहां से शोभा यात्रा प्रारंभ हो रही है। चलिए जो बैंड वाले हैं बैंड बग्गी सब तैयार करें, सभी जन्माभिषेक शोभा यात्रा में चलेंगे, 2 मिनट के अंदर यहां से यही प्रतिमा सीधी सीधी जाएगी। चलिए रे माता के लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए, बाबा के लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए, बाबा के लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए, बाबा के लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए, सारे नगर में लल्ला हो गया। चलिएगा योगेश भाई चले, चलिए शोभा यात्रा प्रारंभ करें। एक हमारे विमल पुजारी जी और हमारे आपको बताऊंगी शोभा। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।